नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। क्या यह माना जाए कि सब कुछ ऐसे ही हो गया, एक ही परिवार के साथ एक के बाद एक हादसे। मौजूदा हालात और पुलिस की संदिग्ध भूमिका यह बताने के लिए तो काफी है कि कम से कम उन्नाव रेप मामले की पीड़िता का एक्सीडेंट ऐसे ही तो नहीं हो गया, वह भी तब जब चालक ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक्सीडेंट से पहले ही ट्रक की नंबर प्लेट आगे और पीछे दोनों ही ग्रेस लगा करके पोत ली थी। गलत दिशा में आते ट्रक ने विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ गैंगरेप के आरोपों की सीबीआई जांच के दो गवाहों को भी पीड़िता के पिता के पास भेज दिया। पिता की मौत भी ऐसे ही संदिग्ध हालात में हुई थी। जेल प्रशासन ने पेट में दर्द मौत का कारण बताया था, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गंभीर रूप से शरीर पर आई चोटें बताया गया था। एक के बाद एक होने वाले इन इत्तेफाकों ने अब मौजूदा सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। संभवतः तभी पुलिस मुखिया यह कहते हुए बिना मांग किए सामने आकर बोल रहे हैं कि यदि कोई प्रभावित परिवार चाहेगा तो वह इस हादसे की सीबीआई से जांच कराने को भी तैयार है। अमूमन ऐसे मामलों में कोई भी प्रदेश अफसर सीबीआई से जांच कराने की बात आसानी से तो नहीं कहता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन्नाव में हुए गैंग रेप की, उस पीड़िता की जिसने एक के बाद एक अपने परिवार के कई लोगों को मौत के मुंह में समाते देखा है। वो चिल्ला रही है, रो रही है, तड़प रही है, गुहार लगा रही है, लेकिन लेकिन कान में तेल डाले बैठी प्रदेश की पुलिस सुन ही नहीं रही। पूरे प्रकरण पर प्रकाश डाला जाए उससे पहले आइए एक फिल्मी सीन देख लेते हैं। ये सीन इसलिए कि पता नहीं क्यों इस घटना से मेल खाता नजर आता है। और हाँ, ये इस तरह का पहला मामला नहीं है जब किसी को सड़क पर दुर्घटना कर अपने रास्ते से हटाया गया हो। अरे क्या हो रहा है? गाड़ी खराब हुआ है, चेक कर रहा है। अरे कोई बताएगा क्या हो रहा है? अब बात करते हैं उन्नाव कांड की। उन्नाव गैंग रेप के केंद्र में हैं भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर। बलात्कार मामले की सीबीआई जांच के चलते पिछले एक साल से जेल के सलाखों के पीछे हैं। गिरफ्तारी भी काफी ही हुज्जत के बाद हुई। नाटक चले अलहदा, लेकिन विधायक अभी भी चाल चरित्र और चेहरा की वकालत करने वाली भाजपा में ही है। पार्टी उनकी हरकतों पर अभी तक खामोश है, क्यों समस्या परे कहा जा सकता है। बीते दिन जिस वक्त यह सड़क दुर्घटना हुई तो लगा कि यह एक सड़क हादसा ही है, लेकिन जैसे जैसे घायलों व मरने वालों की पहचान होनी शुरू हुई तो संपूर्ण घटनाक्रम ही संदेह के दायरे में आ गया। दरअसल जिन दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई वे पीड़िता की मां व चाची थी। घायल पीड़िता लखनऊ के KJMU के ट्रामा सेंटर में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। कार में सवार वकील की हालत भी गंभीर बताई गई है। पीड़िता अपने परिवार वकील के साथ जेल में बंद चाचा से मिलने रायबरेली जेल जा रही थी। यह हादसा एक सड़क पर होने वाले अन्य हादसों की तरह ही हो सकता था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रक की दोनों नंबर प्लेट ग्रेस से कवर की गई थी, यानी पहचान छिपाने की चेष्टा। पुलिस ने चालक व ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन प्रदेश पुलिस साजिश की तमाम आशंकाओं को देखते हुए किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया ओपी सिंह। हम लोगों ने ट्रक वालों को भी पकड़ लिया है, उनके ओनर, उनके क्लीनर, उनके ड्राइवर सभी को पकड़ लिया है। प्रथम दृष्टया ये एक एक्सीडेंट का मामला है। 20 तारीख को बलात्कार की पीड़िता जो है उसने पुलिसकर्मी को कहा कि अब हमें जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, और कल भी जब वो रायबरेली जा रही थी तो उन्होंने सुरक्षाकर्मी से मेरे ये कहा कि हमारी गाड़ी में जगह नहीं है और हमें रास्ते में एक और आदमी को लेना है, इसलिए हम सुरक्षाकर्मी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। इस कारण सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं था और कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे और जब वो अकेली गई तो इस दुर्घटना का वो शिकार हो गई जिसमें दो महिलाएं की डेथ हो गई है और एक वकील जो उनके साथ था जो क्रिटिकल कंडीशन में है, और बलात्कार की पीड़िता जो है वो
स्वयं आउट ऑफ डेंजर हैं। फिर भी कुछ उनके परिवार वालों ने ये आशंका व्यक्त की है कि ये हत्या की साजिश भी हो सकती है, और राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यदि पीड़िता की मां या उसके कोई भी रिश्तेदार अगर सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, उनकी मांग करते हैं, तो राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है और हम लोग इसको सहर्ष सीबीआई को हैंडओवर कर सकते हैं। यदि कोई निवेदन या कोई अनुरोध उनकी तरफ से आता है तो राज्य सरकार इसमें एकदम निष्पक्ष कार्रवाई चाहती है, और यही कारण है कि हम उसके लिए तैयार हैं। अगर सीबीआई की डिमांड वो करते हैं तो हम सीबीआई को भी हैंडओवर कर सकते हैं। पुलिस मुखिया का कहना है कि पीड़िता की सुरक्षा के लिए 10 पुलिस सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे। एक्सीडेंट से पहले कार में जगह न होने के कारण सुरक्षाकर्मी को नहीं ले जाया गया। बाकी सुरक्षाकर्मी घर पर थे, यानी हादसे के वक्त गैंगरेप पीड़िता के साथ कोई भी पुलिसकर्मी नहीं था। सवाल उठता है कि क्या यह भी पुराने इत्तेफाकों की तरह ही एक नया इत्तेफाक है या फिर गहरी साजिश। डीजीपी ने इसकी जांच कराने की बात कहकर सामान्यतः अपना पल्ला झाड़ लिया है। इस रेप कांड मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर भले ही जेल में हो, लेकिन पीड़िता का परिवार लगातार धमकियां मिलने की बात करता रहा है, जिसका कहना है कि कुलदीप सिंह जेल से साजिश रच रहे हैं, वहीं उनके गुर्गे लगातार डराते धमकाते रहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि गाड़ी में मौजूद सभी लोग इस केस में सीबीआई के गवाह थे। दो गवाह ने दम तोड़ दिया, वहीं एक गवाह यानी पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। मामले में मुख्य गवाह की पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है, यानी पीड़िता के पिता। पुलिस हिरासत में यातना देने के बाद जेल भेजे गए पिता की अगले दिन मौत हो गई थी। जेल प्रशासन ने मौत की वजह पेट दर्द बताया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिता के शरीर पर चोट के 19 गंभीर निशान पाए गए थे। कुलदीप सेंगर का नाम अप्रैल 2018 में चर्चा में आया था। उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल पर उनके ही गांव की एक रहने वाली लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाया था। पीड़िता के मुताबिक 4 जून 2017 को विधायक कुलदीप सेंगर ने रेप किया था। इसके बाद पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। मामला सामने आया तो इस मामले ने सियासी तूल पकड़ा। कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कुलदीप अब भी जेल में है और मामले की जांच सीबीआई के पास है। इस संपूर्ण घटनाक्रम पर यदि नजर डालें तो कई इत्तेफाक ऐसे हैं जो गंभीर साजिश की ओर चिल्ला चिल्ला कर इशारा कर रहे हैं। मसलन ट्रक का गलत दिशा की ओर से आना, दोनों नंबर प्लेट पर छिपाने की नियत से ग्रेस लगाना, पीड़िता के साथ किसी भी सुरक्षा कर्मी का ना होना, और कार में मौजूद कुछ लोगों का जो सीबीआई में गवाह है उनका शामिल होना। उन्नाव रेप केस की पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट की सीबीआई जांच कराने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार तैयार है। सरकार का कहना है कि अगर परिजन चाहते हैं तो हादसे की सीबीआई जांच कराई जा सकती है। इस बीच आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के परिजन उन्नाव के माखी गांव से फरार हो गए हैं। माखी गांव में कुलदीप सेंगर के घर में उनकी बहन पप्पी सिंह और नौकर रहते हैं। एक्सीडेंट के बाद पुलिस के डर से सारे लोग घर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश व दुनिया की खबरों पर नजर रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।